नीली पग बन्ने वे तू फोड़ लगदा। जे आशकी जो आशकी कट दईए तब फट बाकी है सजना। अच्छा एक री फिल्म का डायलॉग है, हरी पग बन्ने जौंडियर लगदा। ए हुन गा के सुनाना है भी कि हरी पग बन्ने जौंडियर लगदा। खासी लंबी लिस्ट बना रखी है और बस एक कोई और तो बाद सौखे काम। हाय मीटर दी तुसी प्रॉब्लम च की फड़दे हो अद्धी कट के इन्हां दा आपां जल्दी बस चका के बाहर मारना। हेलो जी, की हाल चाल है? मेरा नाम है प्रीत। तुसी मैनू देख रहे हो दिल खोल के बोल ते कनैक्ट एफ एम के यूट्यूब चैनल ते तुसी देख रहे हो। एंड अज मैं जिन्हां नाल तुहाडी मुलाकात करवाणी आ, इन्हां दा नाम बड़ा सोहना आ ते नाम दे वांगू ही सोहने इन्हां दे गाणे आ। एंड इन्हां नूं मैं उदों तो मिलना चाहुंदी सी जदों इन्हां ने अपने गाणे च बार बार किहा आ जा नी आ जा मैनू नेड़े तो देख कुड़े। सो नेड़े बह के ही आपां बहुत सारियां गल्लां बातां करनियां आ। सज्जन अदीब, वेलकम कनैक्ट एफ एम ते। सारी टीम किवें हो तुसीं? बढ़िया, सारा कुछ वधिया। ठीक है, गाने तो आ रहे। पहला मैं जिहड़ा गाना गाया आ जा मैनू नेड़े तो देख कुड़े मेरा बहुत फेवरेट है। सो मैं चाहनी है कि हाँ ओहदे नाल ही आपां शुरुआत करदे आं। पसरे दे फुल्लां वर्गे पिंडां दे जाए आं, किन्नियां ही चिड़ियां लंघ के तेरे तक आए आं। इंग्लिश विच कहण दसंबर पोदा है जर्म कुड़े, नरमे दे फुट्टां वर्गे साऊ ते नरम कुड़े। अल्लड़े तेरे नैना दे ना आउणा असीं मेच कुड़े, आ जा इक वारी सानू नेड़े तो देख कुड़े, आ जा एक बारी सानू नेड़े तो देख कुड़े। क्या बात है, किदा गया ये सफ़र जिहड़ा तुसीं शुरू किया? 5000 व्यूज़ का सुपना सीगा, हुण मिलियन च हो रहे आ। सो किवें सी ये जर्नी? वधिया वधिया लगता क्योंकि मेरा आपका पैशन आ। सुबह उठ के मैं गाउणा चंगा, वो चीज़ जी मैनू मेरा पैशन सीगा उही थोड़ा बाद जो तुहानूं सक्सैस मिलती है वो चीज़ तो चंगा लगता कि कोई इदां दी आपदे आप नूं कदे महसूस नहीं हो भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो शौक आ, गाउण का भी शौक आ, सुबह उठ के रियाज करना शौक आ, तो वही चीज़ थोड़ा वर्क बन जाए है ना तो चंगा लगता। पर कभी तो कोई पॉइंट आया होगा जो लगा होगा कि यार बस हो गई है, क्योंकि जो तुसी सोच के आने आ ये इंडस्ट्री उन्नी भी गोल्डन गोल्डन जी नहीं है ना, रियलिटी कुछ डिफरेंट आ। धक्का जरूर लगता थोनू, कुछ तुहाडे सुपने सजाए होंदे आ ते जदों वो चीज़ां तुहानूं जिंदगी नहीं किते ना किते अचीव होंदियां तो तुहानूं धक्के तो जरूर लगते हैं। बट कदे भी इदां नहीं कदे फील होया कि यार बस हुण बंद कर दीए, हुण लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि जो मैं चीज़ां बनाई अपने दिल तो बनाइया हमेशा तो दिल तो ही बनाउणा। तो लोगों ने उन्होंने चीज़ नूं प्यार दिता तो जॉब वाला काम नहीं है, कदे भी सोचा भी जॉब आ भी करना ही करना, भी अंदरों ही वो चीज़ का शौक आ, खुशी मिलती है आपदे आप नूं तो वो चीज़ ही करिया कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सीगा जिन्हें पहली बार मोटिवेट किया कि यार तू सिंगर बन सकदा है? हाँ, मेरे टीचर्स ने मैनू जो मैं स्कूल पढ़ता सीगा तो मेरे टीचर्स ने मैनू बहुत मोटिवेट किया। पहला भी साडे पेरेंट्स ने मैनू कहा कि क्योंकि साडे घरे संगीत का कोई माहौल नहीं सीगा, मेरे पेरेंट्स ने कहा जाके भी इनू बच्चे नू गाउण च पाओ, ये बच्चा बहुत सोहना गाँदा। मैं पहला बाल सभावां होंदियां सी उत्थे गाँदा हुंदा सीगा ते मेरी फीस माफ़ कर दी कि मैं प्राइवेट स्कूल पढ़दा हुंदा सीगा ते उदों सब तो वड्डी मेरी अचीवमेंट सीगी। उत्थों फिर बाद फिर मैं कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर यूनिवर्सिटी च गाना चलिया इश्कां दे लेखे, हुण मैं चली जांदा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का माहौल जिदा यूनिवर्सिटी बंदा रियाज करदा उत्थे डिफरेंट माहौल हुंदा ना, सारे हॉस्टल दे रूम च आ जांदे होणे आ ते हुण तुसीं इकल्ले बैठ के रियाज करदे होणे आ। सो किहड़ा वधिया लगदा, किदां दा रियाज करन च मज़ा आउंदा जदों सारे सीगे? उदों भी क्योंकि ना हुण भी मेरे नाल दोस्त होंदे आ, मैं हुण भी जो चीज़ बनाउणा हुण भी अपने दोस्तां नाल सांझी कर लैंदा ते उदों भी जो चीज़ां बनाउंदा सी मैं अपने दोस्तां नाल सांझी कर लैंदा सीगा ते उदों बस महफिल टाइप होंदी आ। दोस्त जिहड़े थोड़े नाल दे मनविंदर मान उदों नाल हुंदा सी मेरे हमेशा, तां नाल दे सारे दोस्त सीगे, कुछ चीज़ां बनाउंदे सीगे नाल दी महफिल ला लैंदे सीगे ते इक साडी आप दी महफिल हुंदी सी जिहदे विच ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨ ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਗ ਉੱਠੀ ਹੌਲੀ 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 5-7 ਸਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ ਗਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਚੱਲੀ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਬੰਦਾ ਯੂਥ ਫੈਸਟ ਜਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਰਨ ਦੇਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ? इश्कां दे लेखे नूं जदों बहुत ज़्यादा वड्डा हुंगारा मिलिया जिंदगी च मेरे, तो हुण जदों भी मैं किते भी जाना स्टेज ते किते भी गाउणा जां जदों दा योग गाना आया 2015 च मैं गीत बनाया सीगा, जदों दा योग गीत बनाया गया तुहानूं हमेशा ही पहले दिन तो डिमांड आ उस गाने की, जिद्दे तो बनिया उह गाना उस दिन तो डिमांड आ उस गाने की। तो उस गाने नूं हमेशा मैनूं कहा कि सज्जन जे गाऊगा तो वो गाने तो बिना असीं जाण नहीं देना सज्जन, ते असीं भी नहीं जाण देना, फिर असीं भी उही गाना सुणांगे। सही है। इश्कां दे लेखे लग गई उमरां दी पूंजी जी, यादां दे राह सुल्तानी जाने आहूंजी जी, जोबन दी उम्र बीत गई दिल बरने मंदे जी, अज तक ना गल चों निकले जुल्फां दे फंदे जी, सहेली तो ऐसे तिलके मुड़के ना खड़ होया, सजना दे नाम बिना कुछ साथों ना पड़ होया, साथों ना पड़ होया, साथों ना पड़ होया। सच्ची नहीं पढ़ होया सी कॉलेज टाइम ते सहेली दे नाम तो बिना। नहीं, ये चीज़ां जिंदगी थोड़ी जिहा आउंदियां ते आके तुहानूं कुछ सिखा के चलियां जांदियां ते वधिया चीज़ आई जिंदगी तक पार्ट आ। ते तुहानूं सिंगर बना के गईयां ए सिखा के? नहीं, इदां दी गल तां नहीं है ते भी सिंगर, क्योंकि वो तो शुरू तो स्टार्टिंग तो सीगा, टीचर्स ने एप्रीशिएट किया स्टार्टिंग थोड़ी कला हुंदी है क्योंकि एक जर्नी हुंदी है, परमात्मा ने जो चीज़ तुहानूं बनाउणा वो तो बना ही देना है ना, तो आपां इदां नहीं कह सकदे कि किसी धोखे नाल बने आ, ते सिख के जरूर आपां कह सकदे आ कि अपने पैशन नाल शौक नाल चीज़ां निखर के आईयां, ते वो चीज़ां लाइफ च पार्ट सीगियां। ਕਦੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖ ਲਈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਏਡੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। तो फिर मैटर बनाने से जितों भी तुम्हें कोई शायरी लभदी आ, जितों भी तुम्हें कोई चंगी गल लभदी आ तो वह मैं लिख लेंदा सीगा, ते अखबारों की कटिंग कट के फिर उन्होंने मैं बहुत कंपोज किया पहला टाइम च। फिर मेरे नाल दे दोस्त मनविंदर होने सीगे, वो लिखन लग गए, उन्होंने कंपोजिशन कमाउण लग गया, फिर थोड़ा थोड़ा मैं आप लिखन लग गया, फिर जो गाना चल गया हुण सारे राइटर आ गए, हुण सारा इदां चल गया। सो कोई गाना है जिहड़ा उदों कंपोज किया होवे न्यूज़पेपर तो याद होवे जिस गाना चाहूं? मेरे कापी ते लिखे हुए ने बट वो हुण मैनूं इदां लगदा कि यार मैं की कंपोज करी जांदा सीगा यार, क्योंकि थोड़ा मैंटल लैवल चेंज हो जांदा। हां, थोड़ा लगदा कि मैं आ की करी जांदा सीगा यार, मैं किदां दी मेरी चॉइस सीगी, ते हुण मैं जदों चीज़ देखदा तां मेरा गाउण नूं मेरा दिल तां नहीं करदा, वो चीज़ां नूं तां मैं चीज़ां एक किनारे ते रख दित्तियां क्योंकि दर बदर थोड़ा ना मैंटल लैवल चेंज हुंदा रहिंदा। इंडस्ट्री इन्नी क अपडेट आ, तुसीं नवें म्यूजिक आई जांदे, नवें म्यूजिक डायरैक्टर आई जांदे, नवीआं बहरां आई जांदियां है ना, चलो ख्याल तो चलो उही ने ते शब्द नवें तरीके नाल आपां इंग्लिश नूं वरत लैंदे आ, तो पुराणियां चीज़ां फिर ओल्ड लगन लग जांदियां, बंदे नूं आंदा छड्डो यार इन्हां नूं। पर नहीं, तुहाडे गाणे तो बहुत सोहणे ने, बड़ी पिंडां दी गल हुंदी है गाणियां च ना, सो कदी कदी तां डर लगदा है कि यार चलूगा गाणा कि नहीं चलूगा, क्योंकि मैं पिंडां दी गल कर जिद्दां पिंडां दे जाए दी गल कर लईए, दिल दे कोरे दी गल कर लईए, यूजुअली मतलब इदां नहीं हुंदा कि बंगा दा नाप लै जाईए है ना, सो कदी डर लगदा है कि लोकी एक्सेप्ट करूगे उस चीज़ नूं कि नहीं करूगे, इन्नी मैं लिखण लगा है ठेठ। नहीं, डर तां तुहानूं हमेशा रहिंदा क्योंकि तुसीं कदे भी किसी चीज़ नूं 100% श्योर नहीं हो सकते है ना, कोई भी चीज़ तुसीं बनाई आ, मैं तां इश्कां दे लेखे नूं भी कदे भी 100% श्योर नहीं सीगा, उहदे भी मैं तुसीं कहा कि 5000 व्यू होणगे, मैं चीज़ बनाउणा दिलों पर मैं 100% कॉन्फिडेंट कदे भी नहीं किसी चीज़ नूं लैके होया, क्योंकि कुछ भी हो सकदा, क्योंकि तुसीं इक आर्टिस्ट हो ना, लोकां नूं कुछ भी पसंद आ सकदा कि तुसीं जज नहीं कर सकते किसी चीज़ में भी हाँ आ चीज़ मैं बनाती तो ये तो हिट आ। चीज़ां बनाने दिलों बनाने, जिवें कल भी गाना बनाया वह भी बनाया दिलों चंगा लगता, तो हिट फ्लॉप तो हम परमात्मा छड़ देगा भी आपे देखूगा। जब तुम 2016 स्टार्ट किया प्रोफेशनली तो उस टाइम तो ना एक ट्रेंड से तुम सिंगर हो बस तुम उदो इन्ना राइटर भी सिंगर नहीं सी होंगे है ना बट हुण जिहड़ा अज दा ट्रेंड आ इस तुहानू कंपोजिशनस का भी पता होना चाहिए तुम आप भी कई बार गाने कंपोज करते हो है ना फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक भी बहुत मैटर करती है सो इहदा प्रैशर कभी तुहानू फील होंदा है क्योंकि डिजिटल का भी प्रैशर आ क्योंकि साड़ी आपदी भी कंपनी है मैं आप कदों भी कोई बंदा मैनू सीखण नू मिलदा है ना जो कोई बंदा इत्थे बैठ रहा डिजिटल दसी जांदा मैं उहदी गल बड़े ध्यान नाल सुणदा क्योंकि मैं कहना कि कितों भी सीखण नू तुहानू ग्रैब करन नू मिलदा ना सीख लेना चाहिए। दूसरी गल जिहड़ी तुसीं कही राइटर वाली तो असीं ना थोड़े दिन हो गए हैप्पी वीरे कोले बैठे तो हैप्पी राय गोटी कहंदा कि बंदे नू लिखना वड्डी गल नहीं है लिखण वाले तो लैन आउणा भी वड्डी गल है है ना जरूरी नहीं है बहुत राइटर मैं थोड़ा लिस्ट बना के दे देना जो जिन्होंने एक कापी से झरीट भी नहीं मारनी आती पर वो बुलंदियां हासिल कर रहे हैं बट उन्होंने चॉइस पता उन्होंने पता कि की चीज़ लोग पसंद करते हैं। हाँ सिलैक्शन किसी तो चीज़ लैनी भी वड्डी गल आ थोड़ा थॉट प्रोसैस उन्ना कम करता ना तो थोड़े थोनों मैं 15 गाने सुना दे तुसीं कहने सारे ही माड़े आ तो बाद चो 15 गाने विचों 5 हिट हो गए तुसीं कहने हैं आ भी होई जांदा ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ। हाँ क्योंकि मैं बहुत सारी इतनी स्टोरी सुनती ना जिथे एक सिंगर ने मना करता बट वो गाना ही एडा सुपर हिट हो गया है ना सो इदा कभी होंगे कि तुम किसी गाने पर अड़ जाते हो कि मैं ये करना है बट टीम के नाल फिर सहमति नहीं बनती फिर अपनी ही सुनते हो कि टीम की। मैं ना पहला चीज़ बनाना वधिया लगता मेरा एक नेचर आ जो 5-10 बंदे निंद देन मैनू भी बुरी लगन लग जाती चीज़ इदा हो जाता मेरे नाल मैं मेरा नेचर आ कि यार 10 जने नैनती ना चीज़ है वधिया नहीं हैगी मैनू भी की नहीं वधिया हैगी इस कमियां लगन लग जाए तो जे चीज़ 100 होवे लोग सलाह देन ठीक है यार ठीक है तो गलबात होनी है तुसीं ना आप जज नहीं कर सकते। इश्कां दे लेखे नूं मैं कदे भी नहीं सोचा एडा वड्डा हंगारा मिलेगा कदे भी नहीं सोचा सुपने च भी नहीं सोचा मनविंदर मान ने भी नहीं सोचा होना कि ये चीज़ एड्डी बनाती मैं नहीं कभी सोचा कि मैं एड्डी कंपोज बनाती है मैं भी एड्डी चीज़ बनाती हथ यार क्योंकि तुम नैचुरल करते रहने होर भी चीज़ा बनाइया फिर मैं कई बच्चे वड्डिया चीज़ा ही बनाइया सोच के मैं आह चीज़ा वड्डिया ने वो उन्निया वड्डिया नहीं गई फिर लगता यार पता नहीं की चक्कर आ क्योंकि लोगों का भी पता नहीं लगता ना किधर नूं जाण किहड़ा पसंद करन चीज़ ना न्यूट्रल जो हो जाने हो ठीक है यार बस। हाँ मैं अपनी सैटिस्फैक्शन लिए कीता चलो ठीक है पर पिंडां दे जाए मैनूं परसनली बहुत पसंद सीगा दिलों पसंद सीगा पर श्योर मैं कितने भी नहीं मैं यार बहुत सोहनी चीज़ है हम अभी एक नैक्सट गाना कर रहे हैं अपनी कंपनी से वो पिंडां दे जाए वर्गा गा साडा है देश मालवा दस देवी नव्या कुड़ते आ बोचकियां दे धौड़ी दे जोड़िया इदा नहीं थोड़ा जा गा गू के ते ओ सीगा कुड़ते आ बोचकियां दे धौड़ी दे जोड़े आ सिद्ध पदरे बंदे आ जी वल छल जे थोड़े आ मूहां दे उत्ते पावे नचदा लटरेचरनी हुंदी जो कही ओ कुड़ू जट्टां दा नेचरनी भावें सानू दिल ते लिख लै भावें दे मेट कुड़े खुलने नी बू बने आंदी लट वर्गे भेत कुड़े किद्दां कोई वखरा कर दूं रूहां विच रमियां नूं साडा है देश मालवा दस देवी नमियां नूं। हुक लाइन तो बहुत सोहनी है बड़ा वधिया लिखिया आ ये असीं नेक्स्ट शूट कर रहे हैं तो ये मैंने मेरे दिल दे बड़ा नेड़े आ ठीक है गाने मेरे दिल दे बड़े नेड़े होंदे आ ते ओह असीं उत्ते 100% जोर सारा ते लाई दा सारे नेड़े ने ते बट खुशी मिलती है आपदे नूं ये चीज़ां करके। वैसे जिद्दां तुसीं गाने हो तो देख के लगता कि रियाज दे नाल नाल तुसीं किताबां भी बड़ा पढ़दे हो लिटरेचर कोई किताबी कीड़ा तो नहीं है मैं कदे कदाई कोई चीज़ जिमें थोड़े दिन हो गए मेरी गुरभजन गैल जी नाल गल हो जाती थी उन्होंने मैंने बुक्स भेजिया तो वह पढ़ लिया जां किते लै गए जो चंगी बुक जिमें तुसीं कहंदे कि आह बुक मैनूं बड़ी वधिया लगी शायरी वाली तो वह रिकमेंड करती है ना वो मैं कदे कदे पढ़ ली ज़्यादा नहीं पढ़ता इदा नहीं है कि सुबह उठ खड़े विच तुसीं 10 पेज पढ़ने ही पढ़ने उन्होंने सफलता का राज भी सुबह 10 किताब पेज पढ़ो ही पढ़ो इदा की गल नहीं हैगी बई जे दिल करता कोई सीखण नूं भी अज हुण पता लग गया कि यार हुण दिमाग 'च कुछ भी नहीं पै रहा है ना भी खाली खाली हो रहा उदां ही पढ़ लई ते 10 पेज नहीं चली मेरे ते ठीक है हम नवे गाने वाल आने आ गाना तो बहुत सोहना आ तो थानू बहुत बहुत मुबारक पहला तो गाना हिट भी चल रहा है ना। इस गाने तुसीं बड़े डिफरेंट तरीके दे की कहते हैं प्यार करन वाला मुंडा बनया आ जिहड़ा लड़ भी पैंदा आ पहला तुसीं कदी नहीं इदां गाणियां च बने ना। सही है पहला क्योंकि वर्डिंग के हिसाब नाल भी थोड़ा जिहा उस चीज़ नूं मैनेज करदे आ। बाकी रिंपी प्रिंस भाजी नाल असीं पहली बार पहली या दिल नाल सलाह शूट कीता सीगा आ दूसरा गाना शूट कीता। एक डायरैक्टर का भी विजन हुंदा पहला मैं ट्रू मेकर्स नाल काम कीता हुण प्रिंस नाल भाजी हुणां नाल काम कर रहा उन्हां दा अपना विजन आ उन्हां दी अपनी शॉर्ट सेंस आ वो कहंदे वी इदां आपां इह चीज़ नूं फिल्माउणा इंग्लिश थोड़ा जिहा तरीके नाल तां मेरा दिल करदा कि बई हाँ कुछ नवां भी कीता जावे यार लोकां कहणगे आही कुछ आही कुछ आही कुछ आ ते थोड़ी स्माइल घटाई है लोग पहला स्माइल ज्यादा सी थोड़ा एटीट्यूड ले आंदा फिर थोड़ी स्माइल घटाई है बट वो भी चीज़ा हैगियां वो भी करी जावांगे कुछ नवा भी कर लेगा मैं चली पर रियल लाइफ किदां दे दिल दा कोरा वाला जिहड़ा सज्जण आ उदां दे दिल नाल सलाह वाले इदां दे कि जिहड़े पिंडां दे जाए वाले आ किदां किस टाइप दे हो तुसीं वो तो हुण पता जे मेरे नाल देआं नूं पता ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਵ ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਲਵਾ ਮਿਲਵਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲਾ ਕਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਆ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਤੇ ਜੇ ਸਵੀਟ ਆ ਸਵੀਟ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੀਟ ਆ ਸਵੀਟ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਇਹੀ ਕਢਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਵਰੇਜ ਆ ਬਸ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਈ ਨਾ ਵਾਲੇ ਕੌੜੇ ਆ ਨਾ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੂੰਹ ਚ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਥੁੱਕਦੇ ਹਿਸਾਬ ਜਿਹੇ ਆ। ਸਹੀ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆਰ ਚ ਗਿਫਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਸਨਲ ਪਿਆਰ ਫਸ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ नहीं मैं वही सोच रहा कि मैं कितों ओह नहीं इदा की कोई कदे ज़्यादा ये नहीं होंगी एक आशक वाली गल ज किसी दिल च दर्द च भिज के रात को गाने लिखने तारे कहने इदा मेरे ना मैं ब्लैसड मेरे ब्लैसड ही भी मैं कदम होया नहीं मेरे जिंदगी कदे कि रोंदे रहंदे आ तो प्यार जिंदगी सारे नहीं किया मैंने कुड़ियाँ ला लो मुंडे ला लो जां दोस्त ला लो जां तुहाडे मैं कहा सी ना गल गोल मोड़ हो रही है गल हो रही है पर इदा क्यों होंगे लोग क्यों नहीं ओपनली दसते अपनी इंडस्ट्री च नहीं दसते ना बॉलीवुड च तो दस देंगे कि जो डेट कर रहा है कुछ भी है ना या तो उन्होंने पता लग जाता है अपनी इंडस्ट्री च नहीं कोई भी दसदा कि मैं रिलेशन मैं सिरे जो चढ़ गई जिद्दे चढ़ गई मैं जरूर दसूँगा हजे बिच है ना गल जिद्दे सिरे चढ़ गई चीज़ नूं मैं कहना कि एवें अद्ध विचाली चीज़ां हैगियां तुसीं कल नूं पुछोगे सज्जन ओह तूं फलानी गल करदा सी किधर गई मैं कहा जी ओह तां टॉपिक बंद ही कर दो टॉपिक बंद कर दो जी कोई होर छेड़ दिया कोई। वैसे उस रिलेशनशिप च कोई गाना है जो तुसीं लिखिया होवे ट्राई कीता होवे नहीं मैं तुहानूं पहले दस सकदा कि जिहड़ियां इह गल्लां ज़्यादा मनविंदर मान जरूर कि पत्तियां ते लिख सरनावे तेरे वल घलदियां चलो ये तो थोड़ा मेरा लिखा हुआ सीगा ते टुट्टियां दो पीलियां मंगा जवीने कोल मेरे है ना ये चीज़ा मनविंदर मान की जिंदगी से वाकई रियल लाइफ च सीगियां ओदियां ते काले तेरे तिल दा किस्सा दसीए किहनूं ओहदी जिंदगी च सीगी तां ओह चीज़ नाल उहने घटियां तां मैं तां ओह चीज़ नूं गाया ते लोग कहंदे सज्जन नाल भी धोखा होया होया सज्जन भी उदां ही वड्डा भागीदार पर मैं कि इन्ना नहीं है हाँ क्योंकि बंदे नूं लगदा कि सिंगर ने भी तां ही टॉपिक चूज कीता भी जे उहनूं लगा भी ये बहुत उदास आ ये बहुत सज्जन बहुत सैड आ मैनूं कदे कदे लोग कह भी दिंदे सज्जन तूं सैड आ तूं उदास टुट्टिया दिल दा है ना पर मेरी लाइफ च कदे भी इदां दी गल कदे नहीं आई मैं टुट्टिया होवां दिल होवे बड़ा मैं हसमुख जा मुंडा हसदे खेडदे रहिंदे आ फन करदे आ बहुत ज़्यादा ही फन करदे आ तो इदां दी गल नहीं हैगी वो एक फीलिंग आ एक अंदरों थोड़े जे जां तां कह लो जज्बाती आ जां सेंसिटिव आ जदों ने किताबां पढ़ते रहने आपां किसी दे जज्बातां नूं समझ के वो चीज़ नूं उदां बयान कर दिंदे आ मैनूं लगदा कि मेरी समझ आ। हाँ मे बी तुसीं इंट्रोवर्ट भी तो मैं सुणिया कि तुसीं रूम च जांदे हो ते कई घंटे बाहर ही नहीं आउंदे वो भी तो एक है तुहाडा पहलू ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ कोई चीज़ा बना लिया क्योंकि संगीत हो थोड़े कोई हारमोनीयम है ना संगीत आ तुम गाने रहने हो क्योंकि लोग सूँ सुनना पसंद करते हैं इसलिए वो चीज़ का मैं खुद भी इंजॉय करता उस चीज़ को तो मैं चार चार पाँच पाँच घंटे गाँव रहना मैं आप ही आपकी गायकी आप ही इंजॉय करता रहना जो तो मैं आप इंजॉय कर लग जाना फिर ही वो चीज़ बनाना जो मैं आप नहीं इंजॉय करता तो मैं वो बना भी नहीं चीज़ तो वो फिर कई दिन गाने रहीदा तो कई घंटे गाँव रहीदा। ठीक है मनविंदर मान तो इलावा वैसे थानू कौन पसंद है लिखनी वाइज? मनविंदर मान तो बिना मैं किसे गाने गाया हो बब्बू का। हाँ बब्बू की राइटिंग मैं बहुत ज़्यादा लगती है बहुत सोहना लिखता वो गाना बड़ा मैं इश्क तो वध के बहुत पसंद सी जो शायरी सी तो मैं बहुत पसंद सी और मोस्टली सारी मैं सुन सारे लेना तो बाकी नवे मुंडे ने तो भी वधिया लिखते उडार तो वह भी वधिया लिखता क्योंकि आप भी झीटा मार लाई दियाँ। हाँ पंजाबी इंडस्ट्री फिर अजकल कौन केड़ी फीमेल एक्ट्रेस है जी थोड़ी बहुत फेवरेट चल रही है कि यार हाँ ये काम कराँगा कभी? मैनू नीरू बाजवा बहुत वधिया लगते हैं नीरू बाजवा ना मेरा बड़ा मन आ कि उन्होंने काम करिए तो बाकी सारे वधिया ने सारे वधिया लगते मैनू अब देख सारे लईदा सारे सुन लईदा सारे ऑब्जर्व करीदा सारा तो सखी दा। बॉलीवुड च कौन है फीमेल एक्ट्रेस वधिया फेवरेट? बॉलीवुड च मैं प्रियंका चोपड़ा मुझे लगती है प्रियंका चोपड़ा ले मैं तो थोड़ी इंटरव्यू सुनी तुसी क्या कंगना रनौत बड़ी पसंद है मैनू कंगना रनौत पिछे जी थोड़ा जा पता नहीं हुण किसानी विवाद करके थोड़ा मैंने आ गया मैंने ना इतना लगता यार नहीं करना चाहिए कंगना रनौत। हाँ है ना क्योंकि तुसी एक आर्टिस्ट हो है ना तुहानू हर एक दी भावना नू समझना चाहिदा मतलब ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਸਟਾ ਤੋਂ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰ ਖਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ठीक है हुण मैं थोड़े नाल एक गेम खेलांगी ठीक है इच मैं थोड़े कुछ एक डायलॉग्स दूंगी मैं डायलॉग वांगू बोलांगी पर तुसी उन्होंने गा के बोलना है ठीक है गाना है। एडवोकेट ढिल्लों ने काला कोट एवें नहीं पाया रफू करा के पाया। हाँ इनू हुण गाओ किद्दां गाओगे? आउण दो पंजवें काले दो आउण दो कोट ढिल्लों ने ओ एवें नहीं हो पाया ओ काला कोट ढिल्लों ने ओ एवें नहीं हो पाया करके रफू ए पवाया बल्लिए। वाह 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 वाह। नेक्स्ट असी तो नक ते मक्खी नहीं बैन दिंदे तू सानू मक्खी खाण ते मजबूर कर रही है। अच्छा ये किहड़ी फिल्म दा डायलॉग है? ये बहुत पुरानी फिल्म दा आई थिंक गुगू गिल हुणा दा डायलॉग है ये। अच्छा असी तो नक ते मक्खी नहीं बैन दिंदे तू सानू मक्खी खाण ते मजबूर कर रही है ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਗੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਗਾ ਕੇ ਗਾਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਬੈਣ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੱਖੀ ਖਾਣ ਲਈ ਓਏ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੱਖੀ ਨਾ ਬੈਣ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੱਖੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਰੇ ਮਜਬੂਰ ਕੁੜੇ। मैंने तो अपनी गर्लफ्रेंड में ये गाना जरूर सुनाना चाहिए था तो 100% हाँ यार। नेक्स्ट यार आश्क चो आशकी कट दी है फट बाकी बंदे चो डर कट दी है जट बाकी बड़ा की कहने दे आशकी चो आशकी कट दी है तो फट बाकी है बंदे चो डर कर दी है जट बाकी ये हुन गा के सुनाना है भी। हाँ सारे गाउन वाला ही है काम खासी लंबी लिस्ट बना रखी है और बस इको ही उस तो बाद सौखा ही है काम। मैंने इदा फील हो रहा है कि जे आशकी चो आशकी कट दईए तो फट बाकी है सजना जे बंदे चो डर कट दईए तो जट बाकी है सजना। गाउण वाली गल होई सी बोलता मैं दिता सी चलो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਾਣਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਫੋੜ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀ ਬੰਨੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਕੀ ਫੜਦੇ ਹੋ ਅੱਧੀ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕੀ ਨੇ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਫੋੜ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਵੇ ਤੂੰ ਫੋੜ ਲੱਗਦਾ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰੀ ਪੱਗ ਬੰਨੇ ਜੌਂਡੀਅਰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰਦਾ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸੈਨੀ ਆ ਫਲੈਟ ਕਰਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਚੜਵਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਕਢਾ ਦਿਓ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਆ ਗਈ ਇਹ ਹਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਹੀ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਟਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਯਾਰ ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੀਓ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ